Let's continue second part of lesson 8. Food and health are also related to the method of cooking. So food and health वो cooking के method के साथ related है. Raw food roasted or boiled at low temperature is considered to the best. तो जो कच्चा food होता है उसको या roast किया जाए या boil किया जाए लेकिन कब low temperature पे तो वो best माना जाता है. Avoid using utensils made of plastics and aluminium for cooking or for eating. तो जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं प्लास्टिक के यूटेंसिल्स होते हैं तो कुकिंग में उसका यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए. ये हमारे फूड के लिए डेंजरस हो सकता है. सनलाइट गिव्स अस कॉन्स्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी. तो सनलाइट हमें कॉन्स्टेंट एनर्जी देती है और जो भी फ्री ऑफ चार्ज है उसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं चुकाने होते हैं. Cookers are available for cooking food using this energy. तो ऐसी energy को use करके cookers बनाए गए हैं. Such cookers are called solar cookers. तो ऐसे जो cookers हैं उसको solar cooker कहा जाता है. The quality, nutrients and taste of food are naturally maintained in the food cooking solar cooker. तो solar cooker में जो food बनाया जाता है वो क्वालिटी में न्यूट्रिएंट्स में और फूड के टेस्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं. हु यूजेस सच सोलर कुकर्स इन योर एरिया. तो उसकी डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी है. अब एक क्वेश्चन है कि ये जो सोलर कुकर है उसके एडवांटेज के बारे में अगर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे. तो ऐसे पॉइंट हम बना के भी लिख सकते हैं कि वी यूज सोलर एनर्जी एंड हेंस देयर इज नो एक्सपेंस ऑफ फ्यूल. तो यहाँ पे क्या है उसके फ्यूल के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई एक्सपेंस नहीं होता है, खर्च नहीं होता है. दूसरा क्या है द क्वालिटी ऑफ फूड कुक इन अ सोलर कुकर इज वेरी गुड. तो क्वालिटी कैसी रहती है, अच्छी रहती है. फिर क्वालिटी टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स आर नेचुरली मेंटेन्ड इन द फूड कुक इन अ सोलर कुकर. द फूड कुक इन अ सोलर कुकर इज इजीली डाइजेस्टेबल. तो ये इसमें जो खाना पकता है तो वो कैसा रहता है, वो फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. तो ऐसे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो. दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि फूड के टेस्ट के बारे में आपको लिखना है. तो कौन कौन से टेस्ट है, स्वीट है, सॉल्टी है, सार टेस्ट है, पंजेंट है, बीटर है एंड एस्ट्रिजेंट है. तो ये टेस्ट के आपको नेम बताने हैं. आगे Many spices are used to prepare food in the kitchen. तो किचन में खाना पकाने के लिए बहुत सारे ऐसे spices का use होता है. Salt, chili, turmeric, cumin, fenugreek, mustard, jaggery, tamarind, etc. are among these spices. Such components are very important for our health. तो ऐसे जो components हैं वो हमारी health के लिए बहुत ही अच्छे हैं. There is some scientific approach related to the each of these components. This information is very important. Six tastes don't include my name, yet no taste without me is my top claim. Jaggery, sugar, sugar cube, sugar cane, naturally ripened fruits are sweet things. We get energy from sweetness. तो sweetness से हमें ऐसी energy मिलती है. दूसरी एक बात बताते हैं हम. आई एम मिस्टर सॉल्ट, ग्राइनी टेस्ट इज माई फेम, किंग ऑफ एवरी किचन, फेमस बाई दिस नेम. तो सॉल्ट के बिना जो सारा टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, फीका पड़ जाता है. इसीलिए सॉल्ट को क्या कहा जाता है, टेस्ट इज माई फेम. सॉल्टी टेस्ट इज मेनली प्रोवाइड बाई सॉल्ट. The food is tasteless without it. अगर किसी में हम salt भूल गए हैं मम्मी तो उसके बिना खाना कैसा लगता है, फीका. During fever, the clothes soak in salty water is kept on the forehead to reduce fever. तो जब बीमार होते हैं, फीवर होता है तब क्या करते हैं, salt water में कपड़ा गीला करके उसको forehead पे लगाते हैं ताकि जो फीवर है वो reduce हो जाए.
A thought of me seizes your tongue, and look how mouth waters. Sweet and sour is my tasty yummy juice, one loves and slurps. Sour juice is obtained from lemon, tomato, tamarind, kokum, amla, raw mango, etc. Sour taste helps in digestion of food. तो क्या है, सार टेस्ट से फूड के डाइजेशन की प्रोसेस जल्दी होती है. यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग मिल्क. तो मिल्क के बाद हमें क्या पीना चाहिए, बटर मिल्क. छाछ कहते हैं ना वो. बटर मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स, आई एम नोन एज चिली. कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग स्पाइसी टैंगी इज माई एबिलिटी. स्पाइसी टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम चिली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, चीनेमो, क्लोव, वाइट पेपर एट्सेट्रा. स्पाइस किल्स हार्मफुल माउथ ऑर्गन्स. तो जो हार्मफुल ऑर्गन्स होते हैं उसको ये मार डालते हैं. कौन से स्पाइस, तीखे मसाले. सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस. तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसको सीक्रेट करने में, उसका उत्पादन करने में ये बहुत ज़रूरी है. बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज हार्मफुल. नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस्ट, हेल्प रीड ऑफ कॉफ एंड बैड टेस्टिंग म्यूकस, आई एम द बेस्ट. टर्मरिक है, पल्सिस से, मैंगो सीड, पीटल नट एट्सेट्रा है. एस्ट्रिजेंट टेस्ट. एस्ट्रिजेंट टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में से स्टिकी सब्सटेंस को रिमूव करते हैं. मैंगो सीड एंड पीटल नट आर यूज एज माउथ फ्रेशनर्स एंड रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम आर माउथ.